लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जहां हर राज्य में प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल चल रही है, वहीं जालंधर में भी राजनीतिक पार्टियों में यही उथल पुथल देखने को मिली, जिसके चलते कांग्रेसी पार्षद अमित ढल व पूर्व पार्षद दिनेश ढल अपने असंख्य कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस पार्टी को छोड़कर शिरोमणी अकाली दल बादल में शामिल हो गए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री पंजाब सरदार सुखबीर सिंह बादल ने शामिल हुए नए कार्यकर्ताओं को सिरोपा डालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, जालंधर लोकसभा सीट से अकाली भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी पवन कुमार टीनू, सरदार गुरचरण सिंह चन्नी, सरबजीत सिंह मक्कड़ सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दिनेश ताल जी ते अमित ताल एक काउंसलर सी, एक इलेक्शन लड़े, एक एक्स काउंसलर ते इलेक्शन लड़े, एमएलए इलेक्शन लड़े जालंधर तो शहर तो, जिन्हों की काफ़ी वड्डा होल्ड है। अज जो अकाली दल ज्वाइन हुए टीनू जी की कंपेन इज गिवन अ बिग बूस्ट। कांग्रेस तो खत्म हो गई है, तुम एक्ति सरप्राइज रिजल्ट देखोगे एंड तुम हैरान रह जाओगे, खाली तो लोग बिलीव नहीं कर रहे। 13 दिया 13 आन ने एंड मैं सियासी गल नहीं कर रहा, मैं फैक्ट कर रहा। अकाली दल ज्वाइन कर लिया, पहले कांग्रेस से असी कांग्रेस दीतियां देख के आजाद तौर पर इलैक्शन लड़े, विधानसभा मैं आजाद लड़िया, फिर उस तो बाद ब्रदर काउंसलर आजाद लड़ाया जो असी जितया, तो उस तो बाद बड़ी कश्मकश चल रही थी भी की किया जाए की ना किया जाए। काफ़ी 2 साल तो सोच रहे थे कि चंगी पार्टी चंगा रस्ता जो देश के समाज वास्ते वधिया एक राह पर जाइए, तो उनके वास्ते टाइम चाहिए सोचा सारे अपने साथियों सारे सलाह मशवरा करके। तो और मेरे वीर ने पल्लू साहब ने मेरे बिट्टू भाई जी ने एक शहर के बड़े तके जोड़े उद्यमी ने जोड़े व्यापारी ने जिन्होंने जोड़े कई पार्टियां उन्होंने संबंध ने उन्होंने प्रधान जी गल की सुखबीर बादल साहब न, तो उन्होंने उत्थे ले जा के सारी गल कराई। तो मैं जो उन्होंने मिलया उन्होंने सारी सोच देखी, मैं देखा भी यही अकाली दल ही एक इदा की पार्टी जी असी लभदे सी जिथे असी चल के समाज वास्ते देश वास्ते कुछ कर सकते।